दोस्तों हमेशा लोग मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें अपने रिलेशन में कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा रिलेशन परफेक्टली ग्रो करे। तो दोस्तों कोई ऐसी चीजें नहीं होती रिलेशन में कि आप ये दो काम कर दे ये पांच काम कर दे, बहुत सारी बातें होती है हमारे रिलेशन को हैंडल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रिलेशन होता है ना उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें होती ना वो मायने रखती है कि किस तरह से हमें अपने पार्टनर के सामने रिएक्ट करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कब कौन सी चीज करनी बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों हमेशा इन चीज का ध्यान रखो कि हमारे रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें होती है वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, उन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड होता है कि हमारा रिलेशन आगे किस तरह से ग्रो करेगा। तो बहुत बार मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी लड़कियों के लिए है जो मैं सबको स्पेशली कहना चाहूंगा कि आपको कभी अपने बॉयफ्रेंड को कभी ये कहना नहीं चाहिए, उनके सामने ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि आपके बॉयफ्रेंड को बुरा ना लगे। तो ऐसी चीज है जो लड़कियों को नोटिस करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बार मुझे देखने को मिलती है, मैंने भी ये चीजें फेस की हुई है कि जब कोई लड़की उदास होती है, जब वो कहीं परेशान होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि यार क्या हुआ, तो इतनी सैड क्यों है, उदास क्यों है। और जेन्युइन बात है ना, अगर वो लड़का उसे प्यार करता है तो उसकी परवाह होगी उसे। तो अजीबोगरीब चीज मैंने लड़कियों में देखती है कि मोस्ट ऑफ टाइम लड़कियां ये करती है कि एक तो उनके सामने ही सेड हो जाती है, मुंह फुलाकर बैठ जाती है, और जब लड़का पूछता है कि क्या हुआ तो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ फाइन, इस तरह से रिएक्ट करती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों की कि आपको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो हम सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं, लड़कियां ऑलमोस्ट ज्यादा करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड का जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो कैसी होगी, तो हम उसके बारे में अक्सर बात करते हैं कि यार मेरा एक्स ऐसा था वो ऐसा करता था, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, क्या वो मुझसे बेटर थी या मैं उससे बेटर हूँ। हमेशा इन चीज के बारे में बहुत सारी लड़कियां बात करते हैं क्योंकि रिलेशन हम दोनों के बीच में है, तो हम अपने एक्स के बारे में क्यों बात करें। कि जहीं पे कंपैरिजन होती है कि मेरा एक्स तेरा एक्स वो ऐसा करता था उसमें ये था तुम्हें ये नहीं है, तो यहाँ पे इंसान को अच्छा नहीं लगता जब उसकी कंपैरिजन दूसरे इंसान के साथ होती है। हम सब में वो सारी चीजें होती है जो दूसरे इंसान में नहीं होते, तो किसी भी पर्सनालिटी की दूसरी पर्सनालिटी से कभी भी कंपैरिजन मत करो। तीसरी चीज जो लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती है ये कि बहुत बार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के कहते हैं कि यार तेरे फैमिली वाले हैं ना ऐसे है वैसे है, तुम्हारी मम्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये गलती मत करना क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपको प्यार करता है, ये कहने से वो आपको छोड़ के चला नहीं जाएगा, डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होगा अगर वो आपको रियल में प्यार करता है। लेकिन क्या किसी भी इंसान को अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसके फैमिलियों के बारे में ऐसा सुनना कोई भी नहीं सुन सकता। तो शायद हो सकता है कि वो आपको कुछ भी ना कहे तभी, लेकिन अंदर से उसे दुख होगा कि इस इंसान ने मेरे फैमिली के बारे में ये कहा, उस इंसान ने जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो थोड़े से आपके इन बातों को सुन के हर्ट हो गए। इन बातों का ध्यान रखें कि कभी भी उनके फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं शायद अपनी फैमिली को भी उतना ही करते हो, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चौथी गलती के बारे में बात करते हैं कि यार ये गलती तो हर लड़का भी करता है और लड़की भी करती है। कई बार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के कहते हैं कि यार तुम्हारा भाई बड़ा ही हैंडसम है, तुम्हारा वो दोस्त है ना मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, कितना हैंडसम चार्मिंग है। और ये गलती लड़के भी करते हैं कि यार तुम्हारी वो दोस्त ये वगैरह वगैरह, उस लड़की में ये चीजें अच्छी है, उस लड़के में ये चीजें अच्छी है। तो कभी भी अपने पार्टनर को उनके दोस्तों के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनकी बहन के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता है कि यार कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में ये बात बैठ जाएगी, आप तो ये कहकर भूल जाओगे लेकिन आपका पार्टनर इस बात को हमेशा याद रखेगा और माइंड में यही सोचता रहेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे फ्रेंड के पीछे तो नहीं पड़ जाएगा, उन दोनों का चक्कर चालू तो नहीं होगा ना। तो यही ये वो सोचते रहेंगे और उसको डर लगता रहेगा कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाएंगे, तो ये गलती भी कभी मत करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इन बातों को याद रखना और ये चार बातें कभी भी आपके रिलेशन में नहीं आनी चाहिए, आपके रिलेशन को इसको बेनिफिट होगा। जब भी आप ये सारी चीज कहोगे हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बताए या ना बताए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनको बहुत ही बुरा लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना चाहिए, अरे करना ही चाहिए, और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो, और आप मेरे मेहमान हो यानी कि चैनल पे पहली बार पधार रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री में है, और हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ, हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच।